खबर मधेपुरा से है, जहां सदर प्रखंड के खोपाईती गांव में हुए आपसी मारपीट और गोलीबारी में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल मधेपुरा में चल रहा है। वहीं घायल खोपाईती के वार्ड नंबर 13 निवासी दीनबंधु यादव ने बताया कि गांव में सड़क किनारे उनके जमीन पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक से पल्सर बाइक पर सवार गांव के ही घनश्याम यादव, हरेराम यादव आकर उनके साथ मारपीट करने लगे। वहीं इस दौरान हरेराम यादव ने उन पर थ्रीनट से गोली चलाना चाहा, लेकिन संयोग से गोली नहीं चली, जिसके बाद घनश्याम यादव, बद्री यादव, बोकू यादव, जयराम कुमार व लाल मोहर यादव ने लाठी से उन पर अंधाधुंध हमला कर दिया। साथ ही इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट की घटना हुई है एवं दोनों पक्षों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। एक बीघा के अंदर लेबर 8-10 लेबर रहे, वो लेबर और भुट्टा ऊपर में रखे रहे, और वही बीच हरेराम आ घनश्याम दोनों मिले, तो हरेराम हमारा पर फायर कर लग, वो गोली फायर नहीं बने, फायर नहीं है के बाद लाठी से मारा लग गए, तो हम गिर गए, तो गिर गए वह लेबर सब जो हमारे रहे ना वह सर हमार जान बचे गए, तब वो लेबर आके दौड़ ले तो गाड़ी छोड़ कर भाग गए, गाड़ी ऊपर जब्त कर राखल सब पब्लिक का गाड़ी ऊपर रखने। सड़क के किनारे अपन जमीन छे सर एक बीघा, एक बीघा के अंदर लेबर 8-10 लेबर रहे, लेबर और भुट्टा।